गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू टुडे? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, 12th चैप्टर हमारा चल रहा है कम्प्लीट। आपको पता है ना, हमने उसके पहले नेक्स्ट वीडियो में क्या देखा था आपने, रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था जैसे कि अपने जैसा ही दूसरा जैसे बच्चे को जन्म देना उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने दो पार्ट्स देखे थे, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के थे, क्या थे, वेजिटेटिव पार्ट्स थे और क्या थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, उसके दो पार्ट्स थे। अब उसमें भी क्या था, दो पार्ट्स के टाइप्स थे, कौन से टाइप्स हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, अब इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेंड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स, तो सीड्स के बिना होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ठीक है, इसमें वो हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू होता है, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बर्ड्स के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था, कटिंग देखा था कि हम रोज़ का फ्लावर में अगर हम न्यू प्लांट्स चाहिए तो रोज़ के कट करना बीच में से स्टेम का, और चंपा होते उसे उसके बाद हमको मिट्टी में डाल देना था, हमें न्यू प्लांट्स मिल जाते हैं। ठीक है, रोज़ के। उसके बाद हमने किसके देखे थे, मैंगो के देखे थे, वो जो उसके जो बीज होते हैं उसे हम डाल देते हैं ज़मीन में तो न्यू बीज आ जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम एक्टिविटी 12.2 देखेंगे अब हम। ठीक है, पेज नंबर 134 देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्केयर ऑन इट विथ द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, दीज स्केयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज। कट यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको यहाँ पे क्या है, पोटैटो है, पोटैटो होते जो उसमें जो ये सब दिख रहे जो है सब इसे क्या कहते हैं, जो छोटे भाग होता है उसे आइस कहते हैं। ठीक है, हमें देखा होगा पोटैटो आपके घर पे जब आता होगा तो उसमें जो कुछ निकल जाता है उसके ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, पोटैटो आइस कहते हैं। ठीक है, कट अ फ्यू पीस, वहाँ से आपको उसके बाजू में से कुछ टुकड़ा काटना है और ऑफ ए पोटैटो उसका, ईच विथ एन आइस एंड बरी देम इन द सॉइल, उससे उसे क्या करना है, फिर हमको सॉइल के अंदर दबा देना, वाटर द पीसेस रेगुलर फॉर ए फ्यू डेज, आपको डेली उसे पानी देना है, एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसा प्रोग्रेस होता है, व्हाट टू डू फाइंड, उसके ऊपर कैसा होंगे, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे आइस निकल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, इसी तरीके से हम जिंजर का भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके स्टेम के थ्रू द्वारा आता है, पोटैटो और जिंजर किसके द्वारा होता है, स्टेम से न्यू प्लांट्स से स्पॉट्स होते हैं, जिंजर विथ न्यू प्लांट्स एंड फ्रॉम इट, लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, तो ये किसके थ्रू थे आपने देखा, जैसे स्टेम के द्वारा। ठीक है, रूट्स नहीं है इसके, स्टेम के द्वारा है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या देखा था हमने, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे इसके बाद, यहाँ पे ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट्स, ये लीफ के द्वारा है, इसमें लीफ के ऊपर ही बर्ड्स आ जाते हैं तो उसके थ्रू न्यू प्लांट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये लीफ दिख रहा है आपको, ये किसका, ब्रायोफाइलम का है, कि लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन, तो आपको पता ही है क्या कौन सा पार्ट्स का है, हमने कर रहे हैं ये सब हम वेजिटेटिव एरा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में हम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको पता है उसका प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा और लीफ के द्वारा, हमने किसका किसका देखा अभी, तो स्टेम है ये, स्टेम के द्वारा। ठीक है, दोनों, उसके बाद लीफ के द्वारा ये ब्रायोफाइलम का हम देख सकते हैं कि कैसे होता है, इसमें क्या होता है पता है, ये देखो जन बढ़ते, लाइक वाइज ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट्स हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव, तो ये जो मार्जिन होते हैं इधर साइड है, तो मार्जिन के इधर क्या हो जाता है, इधर बर्ड्स आ जाते हैं। If a leaf of these plants fall on a moist soil, प्लांट्स जो होते हैं कहाँ पर गिर जाता है, नीचे जो गिली जमीन तो वहाँ पर गिर जाते हैं, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट, तो हर एक जो होता है बर्ड्स को क्या होता है, न्यू लीफ वहाँ पर उग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, स्वीट पोटैटो, जैसे आप हमने देखो ब्रायोफाइलम किसके द्वारा था, ये लीफ के द्वारा था। ठीक है, अब क्या आएगा, बारी आएगी रूट्स की आएगी, कुछ जो होता है रूट्स के थ्रू प्लांट्स न्यू प्लांट्स हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया एग्जाम्पल है उसके, तो जो ये स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा और डहलिया होता है, वो क्या होता है, आप सोचेंगे तो फ्रूट है पर ऐसा फ्रूट नहीं, रूट्स हम खाते हैं। ठीक है,
स्वीट पोटैटो रूट्स होता है उसके न्यू प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक, जमीन में आपने देखा होगा ना। उसके बाद रूट्स और कौन कौन से हम खाते हैं, मूली है, रेडिश जिसे हम कहते हैं। उसके बाद क्या, कैरेट, गाजर भी देखा होगा आपने, वो क्या एग्जाम्पल होंगे, रूट्स के होंगे। और लीफ के कौन से होंगे, ये ब्रायोफाइलम होगा जिसे हम पत्थर चटाई या पानफटी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है स्टेम के द्वारा क्या है, ये टर्मरिक है, जिंजर हो गया और पोटैटो, ये उसके द्वारा, किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा, ठीक है। अब हम प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट्स बॉडी, ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। अब न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। बोझो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या बोलता है बोझो, ये सोचता है कि क्या इससे कुछ फायदा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, तो यस, प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड लीव फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन रोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो इससे क्या होता पता है, प्रोपागेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जल्दी कम टाइम में ही न्यू प्लांट्स आ जाते हैं उसके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट लेटर। तो देट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है विदाउट सीड्स के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो बीज के थ्रू प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने प्रोपागेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखा, उसमें किसके द्वारा था, स्टेम रूट्स और लीफ के द्वारा था और बर्ड के द्वारा। बर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सी ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपको पता है कुछ जो टाइनी जो होते हैं ईस्ट होते हैं उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इन सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको याद होगा कि ईस्ट होता है जो सिंगल सेल्स होता है, ठीक है ना। लेट अस सी हाउ दे प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस, उसे हम देखते हैं हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं ईस्ट को, ठीक है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको पता है हम स्कूल में कर सकते हैं पर फिर भी इसके तरह हम पढ़ लेते, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। आपको क्या करना है, छोटा सा ईस्ट का टुकड़ा लेना है, जैसे केक जैसे कि पाउडर बेकरी जो मिल जाता है हमें। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। आपको क्या करना है, कुछ कंटेनर में रख लेना उस पेस्ट को और वाटर से मिला देना है। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर, एक शुगर भी लेना है उसमें एक चम्मच एंड शेक टू डिसॉल्व इट, उसे फिर मिला देना है हमें। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम, उसे हमें क्या है एक रूम में रख देना है आफ्टर एन ओवर एक घंटे के लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको उसके बाद क्या करना है, एक टिपका डाल देना है कांच पे और उसके स्लाइड के कांच के टुकड़े पे रख देना है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखना है हमें, ठीक है। वो डू यू ऑब्जर्व यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। आपने देखा कि न्यू सेल उग गए वहाँ पे आ गए हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड, जिसके ऊपर जो सेल आते हैं न्यू उसे क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोस एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम अ न्यू ईस्ट सेल। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मेचर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल्स। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे सेल्स वहाँ पे हो जाते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। उसके बाद क्या होता है, उसके चेन हो जाते हैं, जैसे कि दिख रहा है आपको बहुत सारे चेन आ जाते हैं, ठीक है, उसके बर्ड्स के। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट टाइम। उसके बाद थोड़े टाइम में क्या होते हैं, बहुत सारे कंटिन्यू रहता है तो बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं ईस्ट के, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना हमने कितना किया इस आज, हमने कितना किया ओनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, किसके थ्रू होता है, तो लीफ के द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा और बर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद आज हम 135 पेज तक ही रखते हैं, ठीक है। इतना आपको मैं जितना भी करवाया आपको रीड कर लेना इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, जितना तक मैं करवाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ओके, बाय एंड टेक केयर।